नमस्कार स्वागत है आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर नाइन पर डी पर आप हमें देख रहे हैं और आज के टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन सत्र में कक्षा नौ के विद्यार्थी सीखेंगे मैथ्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और आज का विषय है सब्जेक्ट है सब्जेक्ट तो मैथ्स है और इसमें हम जो आज आपको सिखाने के लिए यहाँ पर जुड़े हैं वो है स्टेटिस्टिक्स और आज के सत्र के एक्सपर्ट हैं नवदीप पाठक जो टीजीटी टी स्पेशल एजुकेटर हैं मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय ब्रह्मपुरी दिल्ली में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार और स्पेशल नीड वाले बच्चों को आज का सत्र समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंटरप्रेटर अनिकेत पांडा हम अनिकेत का भी हार्दिक स्वागत करते हैं आज के सत्र में और छात्रों जैसा कि आप जानते हैं ये इंटरेक्टिव लाइव सेशन है तो आप अपने प्रश्न या अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं और इसके लिए अलग अलग माध्यम हैं आप हमसे डी के साथ साथ यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं हमारा पता है एन ऑफिशियल जहाँ आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं साथ ही साथ चैट बॉक्स में आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएँ लिख भेज सकते हैं या अपने सवाल लिख भेज सकते हैं इसके साथ मोबाइल नंबर भी आपके लिए उपलब्ध है जो है डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन मोबाइल नंबर के माध्यम से भी आप अपनी प्रतिक्रियाएं या क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ ईमेल एड्रेस भी है जो है डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट द रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इन माध्यमों से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अगले आधे घंटे के सत्र में स्टैटिस्टिक्स को समझ सकते हैं और चूँकि सब्जेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा गणित में स्टैटिस्टिक्स आम बच्चों के लिए भी थोड़ा सा जटिल लगता है लेकिन इसको कैसे सरल बनाया जा सकता है और ख़ासतौर पर स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए इंक्लूसिव क्लासरूम में स्टेटिस्टिक्स स्टेटिस्टिक्स uh, को पढ़ाने के कॉन्सेप्ट सहज या सरल कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं इसी प्रश्न के साथ आज के सत्र की शुरुआत मैं करना चाहूँगा सर मैं ये, मेरा यही प्रश्न रहेगा कि स्पेशल नीड्स के बच्चों की को किस तरह से कॉन्सेप्ट समझाया जा सकता है आसानी से जैसे कि हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं स्टेटस्टिक चैप्टर ट्वेल्व एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ का चैप्टर है इसमें जो हम बात करते हैं इसमें तो स्टेटिक्स के बारे में जब हमारी शुरुआत होती है तो हम पहले इसमें डाटा कलेक्शन के बारे में डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में हम टेबुलर फॉर्म में डाटा कलेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं जैसे कि हमने डाटा हैंडलिंग चैप्टर पढ़ा है लेकिन इस चैप्टर का जो मेनली फ़ोकस है वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन पर और जो डाटा रिप्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो हमारा रिलाई करता है इसमें तीन पार्ट पर वो है पहला बारोग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में सेकेंड वन इज़ हिस्टोग्राम एंड थर्ड वन इज़ फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन तो शुरुआत करते हैं जैसे कि हमें पता है स्टेटिक्स के जो इंपॉर्टेंस है हमारी एवरीडे लाइफ में जैसे कि आप कभी भी डाटा को आप जो है कम शब्दों में और कम शब्दों में आप जो है उसके ग्राफिकल फॉर्म में आप जब डाटा को एनालाइज करते हो ऑर्गेनाइज करते हो तो आप उससे डीप इंफॉर्मेशन आप उससे गैदर कर पाते हैं तो इसी से जो है स्टेटस्टिक्स की जो डेफिनेशन है वो यही है कि स्टेटिक्स इज़ इस कंसिडर्ड mathematical science that worked with collection of data, organization, interpretation and analysis, analysis एंड डाटा presentation. तो so मेनली जो ये फोकस है हमारा इसमें इस, इस चैप्टर में वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन या presentation के ऊपर जिसके थ्रू हम सीखेंगे कि कैसे हम डाटा को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और उसे उससे हम उसे ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ उसका एनालाइज कर पाते हैं तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है इसके लिए हमें तीन टॉपिक्स के बारे में जिसमें हमें ब्रॉडली पढ़ना है वो है बारग्राफ सेकंड वन इज़ हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम में हम यूनिफॉर्म विड्थ एज वेल एज वेरिंग विड्थ के साथ भी हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे एंड थर्ड वन इज़ फ्रिक्वेंसी पॉलीगन तो सब जब बात हमारी बात होती है टीचिंग इंटरवेंशन एट इंक्लूसिव क्लासरूम की तो हम अपना जो फोकस करते हैं वो क्लास को एज एज एजुकेशन फॉर ऑल के पर्पज से हम चाहते हैं कि बच्चों को टीएलएम के बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन है हर बच्चे को चाहे बच्चा स्पेशल चाइल्ड है या हमारा जो है जनरल बच्चा है हर एक बच्चे तक इन्फॉर्मेशन जा पाए तो इसके लिए हम जब स्टडी को इंटरेक्टिव वे में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कुछ टी का जिसके थ्रू बच्चे को इन्फॉर्मेशन ईज़िली और मल्टी सेंसरी अप्रोच के थ्रू बच्चे तक इन्फॉमेशन जा पाए तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के बारे में तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बार ग्राफ के बारे में तो जो बार ग्राफ है हमारा वो एक तरह का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की जिसके थ्रू हम जो है यूनिफॉर्म विथ के रेक्टेंगुलर जो बार होती हैं उन्हें हम जो है एक एक्सिस के ऊपर इक्वल स्पेसिंग में हम आ, लोकेट करते हैं जैसे कि इसके लिए आपको मैं टी दिखाना चाहूँगा बारग्राफ के रूप में जैसे बार ग्राफ में आप देखेंगे ये दो एक्सिस हैं एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो ये जो रेक्टेंगुलर बार हैं इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो इक्वल स्पेसिंग है एज वेल एज जो आपकी जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसी एक वेरिएबल को जो यहाँ पर है सेविंग इन परसेंटेज जो इस क्वेश्चन के बारे में एक एग्जाम्पल लिया है तो इसी से रिलेटेड हमारी बार ग्राफ की जो डेफिनेशन है वो यही बोलती है कि बार ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच यूजली बार ऑफ यूनिफॉर्म वेर्थ आर ड्रॉन विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन them on one axis and depicting the variable. The value of variable are shown on the other axis and height of the bar depend on the values of variable. jaise जैसे कि आप क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है इन अ फर्म ऑफ 420 ट्वेंटी एम्प्लॉय द परसेंटेज ऑफ मंथली सैलरी सेव्ड बाई ईच एम्प्लॉय इज गिवन इन फॉलोइंग टेबल रिप्रजेंट इट थ्रू अ बारग्राफ्ट तो जब हमने इसके लिए बार ग्राफ के लिए जब हमने इसकी फॉर्मेशन करी बार ग्राफ की तो इसके लिए हमने जब ये टी बनाया तो इसमें मेनली फोकस करा गया है कि ये टी साइटेड बच्चों के साथ साथ अगर कोई विजुअली इंपेयर्ड बच्चा भी यूज़ करे तो वो इंडिपेंडेंटली इसका एक्सेस कर सके तो इसके लिए हमने इसमें जो है थ्रेड की हेल्प से इसे टेक्टाइल में फॉर्म कराए साथ ही साथ इसमें प्रिंट के साथ साथ जो है ब्रेल नेमिंग भी यूज़ करी है ताकि एक ब्लाइंड बच्चा ईजिल इसे एक्सेस करके समझ पाए कि इसमें क्या किस एक्सिस पर हमने किस चीज़ को हमने इस पर प्लॉट कराया जैसे कि एक्स एक्सिस पर हमने दिखाया है कि जो करने एम्प्लॉ है फोर ट्वेंटी उनकी जो सेविंग परसेंटेज है वो है और जो हमारे वाई एक्सिस पर वो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय जैसे कि पहला जो रेक्टेंगल जो बार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्वेंटी परसेंट सेविंग कर रहे हैं और वो जो प्लॉट हो रहा है इन वाई एक्सिस पर 100 तो 100 एम्प्लॉय इस टाइप से हैं जिनकी 20 परसेंट सेविंग वो कर पाते हैं सेकंड जो हमारा जो रेक्टेंगुलर बार है वो 30 परसेंट सेविंग को शो कर रहा है और इस टाइप के एम्प्लॉयी 200 हंड्रेड हैं तो इस टाइप से हम इक्वल स्पेसिंग के साथ साथ अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो जो एक डाटा है जो हम वर्वली अगर बच्चे को बता पाते हैं उसे अगर हम किसी टी या डायग्राम के थ्रू बच्चों को दिखा पाते हैं या ग्राफ के थ्रू हम दिखा पाते हैं तो वो एक एक ईजी वे है बच्चों को इन्फॉर्मेशन को देख कर और ईजी वे में उसे एनालाइज करने का तो बार ग्राफ के अंदर जो मैनली जो रिपोर्ट इसकी जो मैन जो थीम है वो र, 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 रिलाई करती है फर्स्ट ऑफ फर्स्ट इट इज़ रिप्रेजेंट अ कैटेगरियल डाटा और क्वालिटेटिव डाटा एज वेल एज द रेक्टेंगुलर बार आर इक्वल स्पेसिंग ऑन एक्स एक्सिस एंड इट्स अदर वैल्यूज आर प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस नेक्स्ट हम मूव करते हैं हिस्टोग्राम के ऊपर जो सेकंड टॉपिक है हिस्टोग्राम तो हिस्टोग्राम के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हिस्टोग्राम जो हमारा जिस जो बार ग्राफ के कंपैरिजन में ये क्वांटिटेटिव डाटा या न्यूमेरिकल डाटा को जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद कंटिन्यूस क्लास तो इसके अंदर जो क्लास इंटरवल है वो कंटीन्यूस होगा उसके बारे में हम बात करते हैं जैसे कि आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहूँगा जैसे ये ये भी जो हमारा जो टी है ये टी एल एम भी उसी टाइप से बनाया गया है टेक्टाइल वे में बनाया गया है और एज़ वेल एज ब्रेन लिमिंग के साथ में ताकि एक साइटेड बच्चे के साथ साथ एक ब्लाइंड बच्चा भी इसे इजीली एक्सेस कर पाए तो इसमें जो हिस्टोग्राम है सबसे पहले इसकी जो खास बात है जो आपको जो बार ग्राफ के केसेस में आपको जो रेक्टेंगुलर बार के बीच में स्पेस दिख रहा था यहाँ पर वो स्पेस आपको नहीं प्रेजेंट होगा तो ये कंटिन्यूस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे आप इसका जो है क्लास इंटरवल आप देखिए तो थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी देन सिक्सटी टू सेवेंटी इस टाइप से तो ये जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यूस वे में फ्लो कर रहा है साथ ही साथ आप देखेंगे जो इसका जो फर्स्ट जो इंटरवल है वो थर्टी टू फोर्टी है तो जो शुरुआत जीरो से हो रही थी बारग्राफ में वो, वो शुरुआत हो रही है थर्टी से तो इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस पर एक निक बोलते हैं या किनिक बोलें या इसे हम ब्रेकेज ऑन एक्स एक्सिस बोलते हैं जिसके हेल्प से हम ये शो कर पाते हैं कि जो हमारा जो फर्स्ट जो इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट है वो ज़ीरो ना होकर थर्टी है तो जो बीच की जो नंबर हैं वो इस निक के थ्रू जो है आप शो कर सकते हैं साथ में हम जब देखते हैं इसके जो हिस्टोग्राम के बारे में जब हम बात करते हैं तो हिस्टोग्राम जो है इट्स एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इस कैन बी क्लासीफाइड एज अ सेट ऑफ रेक्टेंगल्स विद बेसिस अलॉन्ग विद द इंटरवल बिटवीन क्लास बाउंड्रीज विद एरिया प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी इन द करस्पोंडिंग क्लासेस इन सच द हाइट ऑफ रैक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल टू करस्पोंडिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ सिमिलर क्लास जैसे कि इसे समझने के लिए हम एक क्वेश्चन या एक एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं जैसे एक क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ सेवनटी न्योन लैम्प्स ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द ब्लो डाटा तो इसमें हमारे पास सेवेंटी न्योन लैंप्स हैं और उनका लाइफ टाइम दे रखा है डेज़ के अंदर और इस जो टेबल को हमें रिप्रजेंट करना है एज ए हिस्टो हिस्टोग्राम की फॉर्म में तो हम सबसे पहले इसमें हम देखते हैं जो हमारा जो जो क्लास इंटरवल है वह है थर्टी टू फोर्टी है इन डेज़ में सेकेंड है फोर्टी टू फिफ्टी देन फिफ्टी टू सिक्सटी देन सिक्सटी टू सेवेंटी तो इसे हमने जो इसका जो एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ न्योन लैंप लिया है तो नंबर ऑफ़ न्योन लैंप के लिए जो जितना भी हमारा वो है उसे हमने इस एक्सिस पर लिया है और जो लाइफ टाइम है हमने उस पर वाई एक्सिस पर जब हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो इसकी जो हाइट है वो रिप्रेजेंट कर रही है जैसे 30 टू 40 है 30 टू 40 जो रिलाई कर रहा है 10 तो 10 नंबर ऑफ न्यून लैंप ऐसी हैं जिनकी जो है हाइट है जो 10 न्यून लैंप ऐसी हैं जिनकी जो 30 टू 40 डेज का लाइफ टाइम है सेकंड जो हमारा जो रेक्टेंगुलर बार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 40 टू 50 तो ऐसी कितनी न्योन लैंप हैं 20 न्यून लैंप्स ऐसी हैं जिनकी जो है लाइफ uh, टाइम में वो फोर्टी टू फिफ्टी है तो इस टाइप से आप जब इसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो बच्चा इजीली वे में समझ पाता है कि क्या डिफरेंस है एक बार ग्राफ में एज वेल एज एक हिस्टोग्राम में तो हिस्टोग्राम जब हम बात करते हैं ये एक सॉलिड फिगर का फॉर्मेशन करता है क्योंकि इसके बीच में जो रेक्टेंगुलर बार है उनमें नो स्पेसिंग है कोई स्पेसिंग आपको इसके बीच में नहीं देखेगी एज वेल एज जो इसके अंदर जो नेक है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके जो जो डाटा है वो कहाँ जीरो से ना स्टार्ट होकर एक अलग वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है जैसे इस केस में थर्टी टू फोर्टी के बात करते हैं अब हम जब बात करते हैं दूसरा इस वाले जो हम टी एल एम की जब हमने बात करी तो इसमें जो व्रर्थ है हर एक रेक्टेंगुलर की जो व्रर्थ है वो सेम है तो इस टाइप का जो हमारा जो हिस्टोग्राम है उसे यूनिफॉर्म व्रथ ऑफ हिस्टोग्राम बोल सकते हैं कि जिसके अंदर जो है सारी जो विड्थ है वो सेम है लेकिन जब हम सेकेंड केस की बात करते हैं जब इसकी विड्थ जो है वो वेरी करती है तो उसके केस में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हिस्टोग्राम uh, का जिसके अंदर जो है इसकी विड्थ जो है नॉन यूनिफॉर्म विड्थ बोल सकते हैं या वेरी वेरी करती है विड्थ को उसके बारे में हम पर देखते हैं तो व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम विद नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल क्लास विड्थ वी मस्ट इंश्योर द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आर प्रोपोर्शनल टू क्लास फ्रिक्वेंसी तो जैसे कि हम टी में देख पा रहे हैं कि जितनी भी हमारी जो ये रेक्टेंगुलर बार हैं इनका जो एरिया है वो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल होता है जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने जैसे ये पहले वाले हमने रेक्टेंगुलर बार ली तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है और जो अलग हम किसी और बार को लेते हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी है अगर इसका एरिया ज़्यादा है तो सेकेंड केस में उससे इसकी जो फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी तो इसी को समझने के लिए हम जो ये कॉन्सेप्ट है कि द एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल टू द क्लास फ्रिक्वेंसी इसके लिए एक एग्जाम्पल का हम आगे देखते हैं जैसे एग्जाम्पल है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मास फोर्टी एट ऑब्जेक्ट्स मिजर टू द नियरेस्ट ग्राम ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू इलेस्ट्रेट द डाटा तो इसके अंदर जो है 48 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास हमें दे रखा है क्लास इंटरवल में 10 टू 20, 20 टू 25, then 25 to 35, टू to 50 टू इस टाइप में तो जब हम बात करते हैं तो इसकी जब हम जो है इसके बीच में जो क्लास विर्थ देखते हैं तो पहला क्लास इंटरवल 10 टू 20 के बीच में क्लास विर्थ 10 है 20 टू 25 में क्लास जो हमारी जो है विर्थ है वो ओनली 5 की है देन हम नेक्स्ट में मूव करते हैं 25 to टू में 10 की क्लास विर्थ है दैन 35 टू में जो क्लास विर्थ है वो 15 की है तो यहां पर जब हम देख रहे हैं कि इक्वल जो है क्लास यहाँ पर नहीं है तो हमने एक बार जब हमने जैसे हमने पहले जो जिस वे में हमने हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करा था उसी वे में हमने इसे रिप्रेजेंट करा है इसके लिए हम बात करते हैं एक मैं आपको इसके थ्रू दिखाना चाहूंगा जैसे क्लास इंटरवल है हमारे टेन टू ट्वेंटी देन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव देन ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव देन थर्टी फाइव टू फिफ्टी देन फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव क्लास इंटरवल के बाद हम क्लास वर्थ देखते हैं क्लास विर्थ एंड फ्रिक्वेंसी पहले फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं फ्रिक्वेंसी है इनकी टेन टू ट्वेंटी के लिए फ्रिक्वेंसी है सिक्स <coughs> then 4, then 12, then 18, and then 8. Then and width हम देखते हैं width है 10 to 20 में width 10 की है, width है ट्वेंटी to ट्वेंटी फाइव में width आपको 5 की width है then 25 to तो, फिर द्वारा 10 की width है फिर 15 की width है and last case में 5 की width है Width हम निकालते हैं जब हमारा जो lower limit है और जो हाई अपर लिमिट है इनकी डिफरेंस है अपर लिमिट में से हम जब लोअर लिमिट को हम माइनस uh, करते हैं ट्वेंटी में से टेन गया तो वर्थ इसकी आएगी टेन इसी में सेकेंड केस में आप देखेंगे जब क्लास इंटरवल है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव तो अपर लिमिट ट्वेंटी फाइव में से जब हमने माइनस करा लोअर लिमिट ट्वेंटी को तो हमारी वर्थ निकल के आई क्लास वर्थ निकल के आई फाइव तो हम जब इस वे में हम जब इसको जो हमने डायरेक्टली हमने जब इसके जो हमने डायग्राम बनाया तो आप देखेंगे कि जो पहला वाला जो केस है जो 10 टू 20 के बीच में जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रिक्वेंसी है सिक्स एंड जो लास्ट है हमारा फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव इसके केस में जो हमारी जो वर्थ है वो है हमारी फाइव एज वेल एज सिक्स इस की फ्रिक्वेंसी एट है तो आप जब बच्चे को आप डायरेक्टली जब बच्चा इससे टी एल एम को देखेगा तो बच्चा समझ पाएगा कि जो पहला रेक्टेंगल है और जो लास्ट रेक्टेंगल है इसमें से एरिया जो है वो फर्स्ट वाले रेक्टेंगल का ज़्यादा है बट इसका जो फ्रिक्वेंसी है फर्स्ट वाले जो रेक्टेंगल की फ्रिक्वेंसी सिक्स है एंड लास्ट वाले की फ्रिक्वेंसी एट है जो कि अपोजिट है जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो हमारा जो है एरिया है वो रेक्टेंगल का वो प्रोपोर्शनल टू होगा क्लास फ्रिक्वेंसी के वो यहाँ पर इस चीज़ को जो है ये गलत साबित कर रहा है तो इसका मतलब ये जो हमें जो ये जो क्लास वर्थ के हिसाब से हमने जो रिप्रेजेंट रिप्रजेंट करा है ये वाला डायग्राम इसे गलत प्रूव कर रहा है तो इसके लिए हमें जब इसकी जो रेक्टेंगल की हाइट और एरिया को निकालना होगा इसके लिए हमें करना होगा कि हमें इसकी जो फ्रिक्वेंसी है जो फ्रिक्वेंसी है इसकी इसे हम बोलेंगे कि जो हमारा जो रेक्टेंगुलर बार है इसकी हाइट कितनी होगी हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बार तो सबसे पहले इसकी हम जो फ्रीक्वेंसी लेंगे सिक्स इसे हम डिवाइड करेंगे इसकी क्लास वेथ से टेन से और इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं जो इस मिनिमम जो इस जो क्लास इंटरवल है इसमें जो सबसे मिनिमम क्लास वेट है वह है फाइव उससे हम इसके थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स इंटू टेन बाई फाइव तो फाइव टू देन थ्री तो इसकी जो न्यू फ्रिक्वेंसी निकल के आई वाई थ्री इसी सेम केस में सेकेंड के केस में हम करते हैं तो फ्रिक्वेंसी है फोर देन डिवाइडेड बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय फाइव 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 से कट हो गया फ्रीक्वेंसी आई फोर थर्ड केस में ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टेन मल्टीप्लाइड बाय फाइव फाइव वन जो फाइव फाइव टू जा टेन देन ट्वेल्व को टू से डिवाइड करेंगे तो आएगी सिक्स इसी टाइप में थर्ड केस में हम देखते हैं जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो है एट्टीन क्लास फिर्थ है हमारी फिफ्टीन और इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं एट्टीन बाई फिफ़्टीन मल्टीप्लाइड बाई फाइव तो हम जो है फाइव के टेबल से हम जो फाइव को रिड्यूस कर देंगे फिफ्टीन को थ्री टाइम्स एंड देन थ्री से हम रिड्यूस करेंगे एट्टीन को सिक्स टाइम तो आ गया हमारा सिक्स <coughs> तो ये न्यू फ्रीक्वेंसी हमारी आती जा रही है लास्ट क्लास इंटरवल के केस में फ्रीक्वेंसी हमारी एट क्लास फिर्थ है फाइव मल्टीप्लाइड बाय फाइव तो फाइव से ये फाइव कट हो जाएगा तो हमारा न्यूमरेटर मोनली एट तो हमारी जो न्यू फ्रिक्वेंसी आई वो आई थ्री फोर सिक्स सिक्स एट तो अब इस फ्रिक्वेंसी के साथ साथ हम जब न्यू डायग्राम बनाएंगे या जो टी बनाएंगे नया वाला जो हिस्टोग्राम का जो गैप है वो आप देखें थ्री फोर सिक्स एट इसके हिसाब से बनाएंगे तो हमारे क्लास इंटरवल सेम है टेन टू ट्वेंटी के लिए जो क्लास जो हमारी न्यू फ्रिक्वेंसी जो आई है वो आई है न्यू फ्रिक्वेंसी थ्री तो जो पहला रेक्टेंगुलर बार है वो थ्री पर लाई कर रहा है ये यहाँ पर सेकेंड वाले के लिए जो हमारा ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव वाला जो हमारा जो रेक्टेंगुलर बार है उसके लिए फ्रिक्वेंसी वो जो न्यू फ्रिक्वेंसी आई है वो फोर तो इसकी हाइट जो है फोर तक जाएगी यूनिट तक देन थर्ड केसेज में सिक्स तो थर्ड जो रेक्टेंगुलर बार था वो सिक्स तक जाएगी हाइट एंड फोर्थ की भी सिक्स थी ये भी फोर्थ सिक्स तक जाएगी एंड जो लास्ट बार थी उसकी जो हमारी जो आ, न्यू फ्रिक्वेंसी आई है वो एट थ तो एटथ तो इस टाइप से अब हम जब इसमें बात करते हैं तो जब हमारा जो लास्ट में जो अनिक्वेलिटी आ रही थी एरिया वाइज वो यहाँ पर हमारी क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है कि जब हमारा जो फर्स्ट जो रेक्टेंगुलर बार है जिसकी फ्रिक्वेंसी सिक्स थी और जो लास्ट वाला था और उसकी फ्रिक्वेंसी एट थी बट एरिया में डिफरेंस था बट इन दिस केस बाय दी हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला विच थ्रू विच वी गेट न्यू फ्रिक्वेंसी एंड द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगुलर इज डायरेक्टली या प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रिक्वेंसी तो इस केस से हम जो हिस्टोग्राम की जो जो हम समझ पाएगा बच्चा कि कैसे जो है एक जो रेक्टेंगुलर बार है उसका जो एरिया है वो उसकी फ्रिक्वेंसी से प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है तो इस केस में जब आपको जब कंटिन्यूस डाटा के साथ में हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट किया जाए तो उसके साथ साथ आप कैसे उसे वेरी की लेंथ के साथ में आप उसे कैसे लाएंगे कि उसकी जो रेक्टेंगुलर बार है उसका एरिया प्रोपोर्शनल हो उसकी फ्रिक्वेंसी के तो थर्ड केस जो हम बात करते हैं डाटा के बारे में वो है हमारा फ्रिक्वेंसी पॉलीगन के बारे में तो आगे मूव करते हैं हम फ्रिकुंसी पॉलीगन के बारे में बात करना शुरू करते हैं <coughs> फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हम जब बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक तरह का लाइन ग्राफ होता है जिसके अंदर जो हमारी जो क्लास जो अच्छा एक बात मैं जो है आपको ये बताना चाहूँ कि जो हिस्टोग्राम पॉलीगन है हिस्टोग्राम था हमारा उसकी हेल्प से हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगन की फॉर्मेशन कर सकते हैं तो फ्रिकवेंसी पॉलीगन की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर हम दो तरीके से हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनाने चाहेंगे या बना सकते हैं एक उसका सिंपल फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्लास मार्क की हेल्प से एज वेल एज जो हमारा जो क्लास जो पिछली बार जो हमारा जो डायग्राम था क्लास इंटरवल का जो डायग्राम था हिस्टोग्राम का उसकी हेल्प से भी हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगन का फॉर्मेशन कर सकते हैं उसके अंदर हमें जो उसके जो मिड पॉइंट होता है हमारी जो हर एक क्लास इंटरवल का उसे हम आपस में कनेक्ट करके फॉर्मेशन करते हैं तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में तो अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू अ हिस्टोग्राम विच यूज टू कंपेयर सेट ऑफ डाटा और टू डिस्प्ले अ कम्युनिटेटिव फ्रीकुंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट यूज़ अ लाइन ग्राफ टू रिप्रेजेंट क्वान्टिटेटिव डाटा तो ये सिंपल अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो एक तरह का लाइन ग्राफ है जो कि फ्रीक्वेंसी एज वेल एज जो हमारे जो मिड पॉइंट है जो इसके रेक्टेंगुलर बार का उसके बीच में बनाया गया एक ग्राफ है जो इन दोनों के बीच में प्लॉट किया जाता है तो इसी को करने के लिए हम एक जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हम इस क्लास मार्क का जो है फॉर्मूले का यूज़ करेंगे द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली विदाउट ड्राॅइंग हिस्टोग्राम फॉर दिस द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल नोन एज क्लास मार्क आर यूज टू प्लॉट द पॉइंट्स तो इसे समझने के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं जिसके थ्रू हम समझते हैं जैसे हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया है द फॉलोइंग टेबल्स टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑप्टेन बाय देम तो सेक्शन ए है जिसके अंदर मार्क्स दे रखे हैं ज़ीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी देन फोर्टी टू फिफ्टी और उनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है हमें थ्री नाइन सेवनटीन ट्वेल्व एंड नाइन तो इसमें हमें हम लिख लेते हैं ये क्लास इंटरवल है हमारे क्लास इंटरवल ज़ीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी एंड थर्टी टू फोर्टी एंड फोर्टी टू फिफ्टी इसके साथ साथ इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है थ्री नाइन सेवनटीन ट्वेल्व नाइन अब यहाँ पर हम निकालते हैं क्लास मार्क क्लास मार्क के लिए हमें अपर लिमिट अपर लिमिट टेन प्लस लोअर लिमिट ज़ीरो एंड डिवाइडेड बाई टू तो टेन प्लस जीरो टेन डिवाइडेड बाई टू इज गेट फाइव तो हमारी जो पहली क्लास मार्क आ गया वो फाइव आ गया सेकंड केस में हम जब प्लस करते हैं टेन टू ट्वेंटी वाले क्लास इंटरवल में जब अपर लिमिट ट्वेंटी प्लस टेन डिवाइडेड बाय टू वी गेट फिफ्टीन सो ऑन थर्टी प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू गेट ट्वेंटी फाइव देन फोर्टी प्लस 40 डिवाइडेड बाई it is 90 is divided एंड 2 लास्ट वन 45. इसी क्लास इंटरवल को हमें फ्रीक्वेंसी के साथ में प्लॉट करना है जैसे कि आप टीएलएम में देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो टीएलएम है इसमें एक्स एक्सिस के अंदर मार्क्स जो हैं जो हमारे जो मार्क्स हैं ये जैसे क्लास मार्क फाइव फिफ्टीन 25 ये यह हमने यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम रेंज है वो 45 है तो इसी हिसाब से हमने इसे एक्स एक्सिस को डिवाइड करा है फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी इसके ब्रेकेज में साथ में जो हमारी जो वाई एक्सिस है जिस पर हमने फ्रीक्वेंसी दिखाई है फ्रीक्वेंसी थ्री नाइन सेवनटीन ट्वेल्व नाइन तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेवेंटीन है इसके केस में हमने फाइव टेन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी तक दिखाई है तो पहला जब हम जब क्लास मार्क के साथ साथ फ्रिक्वेंसी के साथ फाइव और थ्री को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स एक्सिस पर फाइव एंड वाई एक्सिस पर थ्री फ्रिक्वेंसी के साथ ये पहला वाला जो हमारा क्लास इंटरवल था जीरो टू टेन को हमने इस टाइप से रिप्रेजेंट करा सेकेंड फिफ्टीन टू नाइन दैट इज रिप्रजेंट एज दिस वन देन ट्वेंटी फाइव टू सेवेंटीन रिप्रेजेंट एज दिस टाइप जब हम इन्हें आपस में हम जब इन्हें मिला देते हैं तो एक टाइप का लाइन ग्राफ की फॉर्मेशन होती है इस लाइन ग्राफ को हमें पॉलीगन की फॉर्म में बनाने के लिए हमें इसे क्लोज फिगर के रूप देना पड़ेगा तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि हम इसमें जीरो फ्रिक्वेंसी के साथ में एक यूनिट ले लेते हैं जैसे एक स्टार्टिंग में हम लेते हैं जब ज़ीरो से टेन से पहले का हम क्लास इंटरवल ले लेते हैं जीरो से टेन का इंटरवल जब हम इससे पहले का जो इंटरवल लेंगे और एक हम इंटरवल लेंगे लास्ट केस में तो ज़ीरो से टेन से पहले का इंटरवल आ जाएगा जीरो से आप जीरो से पहले का लेंगे तो माइनस टेन और जीरो का आ जाएगा माइनस टेन से जीरो का तो माइनस टेन और ज़ीरो के केस में जब हम प्लस करेंगे ज़ीरो प्लस माइनस टेन को और डिवाइड करेंगे टू से तो हमें मिलेगा माइनस फाइव तो इस माइनस फाइव को हमें ज़ीरो के साथ में हमें रिप्रेजेंट करना है तो एक्स एक्सिस पे ज़ीरो और माइनस फाइव को हम रिप्रेजेंट करेंगे ये रहा <coughs> तो माइनस फाइव एंड जीरो फ्रिक्वेंसी एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो होगी और एक्स की वैल्यू है माइनस वाई तो माइनस वाइव जीरो देन हम लास्ट केस में हम जब चलते हैं थर्ट फोर्टी फाइव टू नाइन के पास में हम जब लास्ट केस में लेंगे तो वहाँ पर भी एक जीरो फ्रिक्वेंसी वाला हम एक क्लास इंटरवल अपने आप फॉर्मेशन कर लेते हैं फोर्टी टू फिफ्टी के बाद में हम क्लास इंटरवल फॉर्म करते हैं फिफ्टी टू सिक्सटी देन फिर सिक्सटी प्लस फिफ्टी इसको हम जब डिवाइड करेंगे टू से तो हमारे पास जो क्लास मार्क आएगा वो आएगा फिफ्टी फाइव का तो हमें रिप्रेजेंट करना है फिफ्टी फाइव कॉमा ज़ीरो को तो x एक्सिस पर फिफ्टी फाइव को हमने प्लॉट कर दिया इसके बाद में जब हम इन दोनों को बना ऐड करते हैं और इसके एक पूरी फॉर्मेशन बनती है इस टाइप की जो फिगर है इसे हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की जो हम जो यूज़ कर पा रहे हैं उसके दो तरीके से या तो आप हिस्टोग्राम की हेल्प से बना सकते हैं एज वेल एज़ आप इसे क्लास मार्क के फॉर्मूले के बेसिस पर भी इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं तो आगे हम बात करते हैं इसके बाद में तो अब हम आगे बात करते हैं कीवर्ड्स की और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए अपने जो हमारे छात्र हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है क्लास मार्क आज के सब्जेक्ट में आज के टॉपिक में पढ़ाया गया आपको क्लास मार्क क्या है ये आज का कीवर्ड है साथ ही साथ हिस्टोग्राम क्या है ये भी आपने सुना और समझा और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है ये भी आपने सुना तो ये तीनों कीवर्ड्स रहे है. और इसके बाद बारी है होमवर्क और मॉडिफाइड होमवर्क की तो आग्रह में सर से करूँगा कि आज के बच्चों को आज के सत्र की सत्र में जो पढ़ाया है उसके आधार पर आज का होमवर्क बताएँ जैसे पहला होमवर्क का क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द सीट्स वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शन तो पोलिंग पार्टीज दे रखी है हमें छह पोलिंग पार्टी हैं ए बी सी डी ई एंड एफ और एज़ वेल एज इनकी सीट जो इन्होंने जीती हैं सीट उन्हें दिखा रखा है ए पार्टी ने सेवनटी फाइव बी फिफ्टी फाइव सी थर्टी सेवन डी ट्वेंटी नाइन एंड ई टेन एंड एफ थर्टी सेवन क्वेश्चन पूछा गया है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट एंड इसी का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच पोलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट तो इस क्वेश्चन को जब हमारे जो इंक्लूसिव क्लासरूम में हम जब बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को हमारे जो विज़ुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो इसे प्रिंट को जो एक्सेसिबल करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आ सकती है या तो वो डिपेंड करेंगे अपने किसी पीयर ग्रुप या पेरेंट्स पर ताकि वो इसे वर्बलाइज करके बच्चे को बता पाएँ अदरवाइज़ अगर आप बच्चे को इंडिपेंडेंटली इसके लिए एक वर्कशीट या आप क्वेश्चन पेपर इस टाइप से फॉर्म कर पाएँ जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दिख रहा होगा कि जिसमें इस क्वेश्चन को ब्रेल के मीडियम के माध्यम से हमने प्रिंट एज वेल एज ब्रेल में बनाया है इसकी हेल्प से ब्लाइंड बच्चा इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है साथ ही साथ इसमें जो प्रिंट भी है तो आपका जो साइटेड बच्चा है वो भी इसी का यूज़ कर सकता है तो ये एक तरह का हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका हमने मॉडिफाइड रूप देखा हम आगे बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की सेकेंड क्वेश्चन इज थर्टी चिल्ड्रन वर आस्क अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टी वी प्रोग्राम इन द प्रीवियस वीक द रिजल्ट वर फाउंड एज फॉलोस तो इसमें तीस जो 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 बच्चे हैं उन्होंने जो है टी प्रोग्राम पर कितने घंटे का जो है टाइम स्पेंड करा है उसे हमें दिखाया गया है वन सिक्स इस टाइप से थर्टी जो है बच्चों के डाटा है देन क्वेश्चन पूछा गया है मेक अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड बार ग्राफ फॉर दिस डेटा एंड टेकिंग क्लास विथ फाइव एंड वन ऑफ क्लास इंटरवल फाइव टू 10. तो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो डाटा है जिसे ब्लाइंड बच्चे को या आपके जो अदर भी जो बता सकती है इस डाटा को या नंबरों को इंटरप्रेट करने में या समझने में तो उसके लिए हम उन्हें एक जो है हम मॉडिफाइड क्वेश्चन इसके रूप में हम दे सकते हैं जैसे कि इसी इसी क्वेश्चन में हम बच्चों से डायरेक्टली हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके लिए कि आप इसका जो है सेकंड क्वेश्चन में जो था इस डाटा की जगह हम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप जो है पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिफाइन कीजिए या डाटा के जो है आप जो है, जो है डाटा के एवरी में यूज़ होने वाले जो कुछ पॉइंट्स लिखिए इस टाइप के आप जो है उन्हें डाटा क्वेश्चन दे सकते हैं जिन्हें वो ईजिली भाषा में बता सकते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क ऑप्टेन बाय देम तो इसमें जो है दो सेक्शन के जो है वो दे रखे हैं मार्क्स आपके बच्चों को जो है जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है और क्वेश्चन पूछा गया है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाई टू फ्रिक्वेंसी पॉलीगन फ्रॉम द टू पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन तो ये भी सेम उसी केस की बात है कि जब बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आप जो दो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन को फॉर्मेशन करना और साथ ही साथ अगर बच्चा विजुअली इंपेयर्ड है तो उसे उसके केस में इस डाटा को इंटरप्रेट या बच्चे को वर्बलाइज करने के लिए वो इंडिपेंडेंटली किसी पर डिपेंड होता है तो इस केस के लिए हम उससे बच्चे से डायरेक्टली क्वेश्चन दे सकते हैं जैसे कि फाइव एग्जांपल ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ तो इस टाइप से जो कुछ जिस क्वेश्चन को बच्चे को आप एक बार वर्बलाइज करके बता दें जिससे बच्चे ईजिली अपने बारे में इन क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली इसको सॉल्व कर पाए इस टाइप जी तो ये रहा होमवर्क और मॉडिफाइड होमवर्क जो हमारे आज के छात्रों के लिए था और इस तरह से आप जो सत्र में आपने सीखा समझा उसे आप उसके आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर हमें भेज सकते हैं और पत्र जो उत्तर आपको भेजने हैं उसको किस फॉर्मेट में भेजना है ये भी बताना आपके लिए बेहद ज़रूरी है तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा नाम अपना लिखना है स्टूडेंट्स का नाम और क्लास किस क्लास में पढ़ते हैं वो लिखना है स्कूल का नाम और एड्रेस लिखना है एक्सपर्ट टीचर का नाम जो हमारे आज आज के एक्सपर्ट हैं उनका नाम लिखना है डेट ऑफ सेशन आज की डेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं और फोटोग्राफ आपके पास है तो आप उसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ़ लगा सकते हैं जो कि ऑप्शनल है आप चाहें तो लगाएं या ना लगाएं और इसे आप भेज सकते हैं हमारे ई एड्रेस पर जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा था और ये ई एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन तो ये रही आज की सारी जानकारियाँ और आज के इंटरेक्टिव टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन कार्यक्रम का समापन अब हम करना चाहेंगे सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आज के एक्सपर्ट नवदीप पाठक का सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला हमारे छात्रों के लिए और साथ ही निकेत पांडा का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो इंटरप्रेटर के तौर पर आज उपस्थित रहे और स्पेशल नीड वाले बच्चों को आज उन्होंने इस सत्र को समझाने का प्रयास किया आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और चलते चलते अपने छात्रों के लिए जानकारी पाठ्य पुस्तकों से संबंधित 2023-24 पाठ्य सत्र के लिए आप नई पाठ्य पुस्तकें अगर नहीं ले सके हैं तो आपके सामने विकल्प उपलब्ध हैं आप सेल्स काउंटर्स के माध्यम से ले सकते हैं जो अवेलेबल हैं न्यू डेली अहमदाबाद बाद बेंगलुरु कोलकाता और गुवाहाटी में सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छः बजे के बीच में सप्ताह के सातों दिन ये सेल्स काउंटर्स अवेलेबल होते हैं और आप ऑनलाइन बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए हमारा जो वेबसाइट एड्रेस है वो आपको बता दें एन सी ई आर टी बुक्स डॉट एन सी आर टी डॉट जी ओ वी डॉट आई एन और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं सॉफ्ट वर्जन सॉफ्ट कॉपी पी डी एफ़ फॉर्मेट में तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस जो हैं एन सी ई आर टी ई पाठशाला और दीक्षा तो इन जानकारियों के साथ आप सभी से अनुमति चाहेंगे लेकिन आप लगातार बने रहिए ई विद्या के साथ नमस्कार